Hi guys, I am Neetu Nigam and welcome to my channel, My Parshala by Neetu Nigam. आज मैं आपके लिए क्लास फर्स्ट से SOI फॉर्म पैड से इसके सैंपल पेपर कंप्यूटर्स के सिलेबस एंड सैंपल पेपर लेकर आई हूँ। साथ ही इसमें हम ये भी जानेंगे कि कंप्यूटर साइंस में आप एग्ज़ाम कैसे दे सकते हैं, इसके एग्ज़ाम की डेट कब है, कौन कौन से बच्चे इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, एग्ज़ाम कैसे होगी, एग्ज़ाम की रजिस्ट्रेशन फ़ीस क्या है, एग्ज़ाम का मीडियम क्या रहेगा और ड्यूरेशन क्या रहेगा। चलिए इन सभी टॉपिक्स पे भी हम बात करेंगे। साथ ही इस वीडियो में हम इसके सैंपल पेपर एंड सिलेबस देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। SOF साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन के द्वारा क्लास फर्स्ट से टेंथ तक के लिए कंप्यूटर ओलंपियाड की एग्ज़ाम ली जाती है। एग्ज़ाम लेवल इंटरमीडिएट होता है और एग्जामिनेशन प्रोसेस जो है ये इंटरमीडिएट रहता है और एप्लीकेशन प्रोसेस स्कूल के द्वारा करवाई जाती है। एग्जाम डेट दो डेट दी गई है यहाँ पर, 20 दिसंबर और 21 जनवरी। इन दोनों डेट में से जो भी डेट आपके स्कूल के द्वारा चूज की जाती है उसी डेट पर बच्चों को एग्जाम देना होता है। एग्जाम का मोड ऑफलाइन रहता है, अर्थात बच्चे स्कूल टाइम में स्कूल में बैठकर ही एग्जाम दे सकते हैं। कोई भी बच्चा यहाँ पर इस ओलंपियाड में ऑनलाइन इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकता है, स्कूल के द्वारा ही यह एग्जाम करवाई जाती है। रजिस्ट्रेशन फीस 125 रुपीज है और साल में यह एग्जाम एक बार ली जाती है। लैंग्वेज इंग्लिश रहेगा और टाइमिंग एक घंटे का टाइमिंग बच्चों को दिया जाता है। चलिए अब हम देखते हैं कि इसमें किस तरह के क्वेश्चन पैटर्न रहते हैं, सिलेबस क्या रहता है। तो चलिए इसको हम देखते हैं। ये हमारा 24-25 के लिए सैंपल पेपर एंड सिलेबस है। टोटल क्वेश्चन 35 रहते हैं और टाइमिंग 1 आवर्स का रहता है। क्वेश्चंस पेपर को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है लॉजिकल रीजनिंग, दूसरा कंप्यूटर साइंस, तीसरा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड 4 अचीवर सेक्शन। लॉजिकल रीजनिंग से 5 क्वेश्चंस रहते हैं जिसमें पर क्वेश्चन 1 मार्क्स रहता है। नेक्स्ट हमारा कंप्यूटर साइंस जो क्लास सेकेंड का सिलेबस रहता है। बच्चा चाहे किसी भी बोर्ड से सेकेंड क्लास का बच्चा अगर है, चाहे वो CBSE बोर्ड हो, स्टेट बोर्ड हो या ICSE बोर्ड हो, ऑलमोस्ट वही सिलेबस यहाँ पर रहते हैं। नेक्स्ट हो जाता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिससे 5 क्वेश्चंस रहते हैं और पर क्वेश्चन 1 मार्क्स रहता है। एंड अचीवर सेक्शन से पर क्वेश्चन 2 एंड पर क्वेश्चन मार्क्स 2 मार्क्स रहते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि सिलेबस क्या क्या है। सेक्शन 1 में आपका रीजनिंग से सिलेबस हो जाता है पैटर्न, ऑड वन आउट, मेजरिंग यूनिट, जियोमेट्रिकल शेप, स्पेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग, ग्रुपिंग, एनालॉजी, रैंकिंग टेस्ट, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फिगर। सेक्शन 2 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, यूजेज ऑफ कंप्यूटर, की एंड कीबोर्ड, कंप्यूटर माउस, स्टार्टिंग एंड शटिंग डाउन द कंप्यूटर्स एंड इंट्रोडक्शन टू MS Paint। सेक्शन 3 से है IT गैजेट, डिवाइस, ऐप, कंप्यूटराइजेशन एंड अदर डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ IT। एंड सेक्शन 4 से हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन, सिलेबस एज पर एज सेक्शन 2 एंड 3। अर्थात सेक्शन 4 में अचीवर सेक्शन में थोड़ी सी ट्रिकी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि सिलेबस कंप्यूटर सिलेबस से रहते हैं। चलिए अब इसके लॉजिकल रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन, यहाँ पर टोटल 10 क्वेश्चन हम देखेंगे जबकि क्वेश्चन में हमें 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फॉर सैंपल हम लॉजिकल रीजनिंग से हर सेक्शन से, ये 4 सेक्शन यहाँ पर बटे हुए हैं, हर सेक्शन से दो तीन क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन है लॉजिकल रीजनिंग से, फाइंड द मिसिंग नंबर टू गिवन नंबर पैटर्न 20, 17, 14, 1 एंड 8। ये नंबर किस आधार पर हो रहे हैं? तो यहाँ पर देखिए 20-3 17, 17-3 14, 14-3 11, और फिर हम 11 को 3 से माइनस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 8। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया यहाँ पर? 11। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे देखते हैं, सेलेक्ट ऑड वन आउट, इन चारों में से कौन अलग है? तो इनको प्लस दिया गया, तो पहले प्लस करते हैं, 5, 3, 8, 6, 2, 8, 6 + 4, 10 और 7 + 1, 8। तो यहाँ पर हम ऑप्शन देख रहे हैं ए बी एंड डी, ये तीनों में
प्लस करके 8 नंबर आ रहा है जबकि सी में 10 आ रहा है, तो ऑड वन आउट क्या हो गया, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हैवीएस्ट, इसमें से कौन सा सबसे ज्यादा हैवीएस्ट है। सो करेक्ट आंसर हो जाता है एलिफेंट इज द हैवीएस्ट। हैवीएस्ट मतलब सबसे भारी इन सभी में कौन सा है। नेक्स्ट हमारा सेक्शन आ जाता है कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस से जो सिलेबस से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, चलिए देखते हैं, ये डायरेक्ट टू डायरेक्ट क्वेश्चंस रहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड, कीबोर्ड में सबसे लंबी की कौन सा है। ए डिलीट, बी स्पेस बार, सी एंटर, डी कंट्रोल। करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी स्पेस बार की। कीबोर्ड में सबसे लॉन्गेस्ट की स्पेस बार होती है, सो स्पेस बार इज द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड। क्वेश्चन नंबर 5। यूजिंग कंप्यूटर कीबोर्ड यू कैन डू ए टाइपिंग, बी क्लिकिंग, सी हिटिंग, डी पुशिंग। कंप्यूटर कीबोर्ड को यूज करके आप क्या कर सकते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए टाइपिंग। कंप्यूटर कीबोर्ड से हम टाइपिंग कर सकते हैं। नंबर 6। अ कंप्यूटर इज अ मशीन विच हेल्प अस टू, कंप्यूटर एक मशीन है जो हमारी मदद करता है। ए प्ले गेम्स, गेम्स खेलने में, बी वॉच मूवी, मूवी देखने में, सी लिसन टू म्यूजिक, म्यूजिक सुनने में, या डी ऑल ऑफ दिस। तो कंप्यूटर के द्वारा हम ये तीनों काम कर सकते हैं, सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 जो कि इंफॉर्मेशन सेक्शन से स्टार्ट होता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ एन ऐप, इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो ऐप है। तो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, ये ऐप है आपका यूट्यूब किड्स। नंबर 8। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग, इसमें कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, स्टेटमेंट के आधार पर हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा ऑप्शन होगा। इट इज द कंप्यूटिंग डिवाइस दैट रिजेंबल्स अ रिस्ट वॉच, ये एक कंप्यूटिंग डिवाइस है जो रिस्ट वॉच की तरह है। इट यूज्ड टच स्क्रीन, इसमें हम टच स्क्रीन यूज कर सकते हैं। ऑफर एप्स एंड अदर रिकॉर्ड हार्ट रेट एसेट्रा, और इसके अलावा ऑफन रिकॉर्ड और हार्ट रेट वगैरह भी इसमें हम देख सकते हैं। तो ये क्या है, ए स्टॉप वॉच, बी डिजिटल वॉच, सी क्लॉक वॉच, सी क्लॉक एंड डी स्मार्ट वॉच। करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी स्मार्ट वॉच। नेक्स्ट सेक्शन हमारा हो जाता है अचीवर सेक्शन। अचीवर सेक्शन से चलिए हम देख लेते हैं किस प्रकार के क्वेश्चंस हैं। नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू गिवन आइकॉन ऑफ एमएस पेंट इन विंडोज 10। विंडोज 10 में एमएस पेंट में ये आइकॉन क्या है। ए इट कैन यूज द कलर पिकर टूल्स, इट इज नोन एज क्रेयन ब्रश, इट इज फाउंड अंडर व्यू टैब, डी वी कैन चेंज इट्स विड्थ व्हाइल कलरिंग द पिक्चर्स। सो करेक्ट आंसर है दिस इज द कलर पिकर टूल्स। कलर पिकर टूल्स ये एक कलर पिकर टूल्स है जिसमें जिसके द्वारा हम किसी भी कलर को लेकर दूसरे जगह पर सेम टू सेम कलर डाल सकते हैं। नंबर 10। When does this image appear on the computer screen? Computer screen पे जो इमेज दिख रहा है उससे रिलेटेड ऑप्शन हम कब यूज करते हैं। ए आफ्टर यू क्लिक रिसाइकिल बटन, बी आफ्टर यू क्लिक ऑन द शट डाउन बटन फ्रॉम पावर ऑप्शन इन द स्टार्ट मेन्यू, सी आफ्टर यू क्लिक ऑन द स्लिप बटन फ्रॉम द स्टार्ट मेन्यू, या डी नन ऑफ दिस। करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी आफ्टर यू क्लिक ऑन द शट बटन, सेट डाउन बटन फ्रॉम पावर ऑप्शन इन द स्टार्ट मेनू। आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो। इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो के लिए आप हमारे साथ बने रहें, और प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।